हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑस्कर विनिंग मूवी द रेवेनेंट को। यह एक सर्वाइवल कहानी है। जंगलों के अंदर हम बहुत सारे आदमियों को देखते हैं। यह साल 1823 होता है। दरअसल ये सब लोग पशुओं के खालों को निकालते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन तभी यहीं पर एक कबीला इन पर हमला कर देता है, जिसमें ये लोग अपने बहुत सारे साथी खो देते हैं। दरअसल जो कबीला होता है, उसके मुखिया की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और इन कबीले वालों को लगता है कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाले यही लोग हैं। इसलिए ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव पर चले जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कबीले वालों को पता चलता है कि मुखिया की बेटी इनके साथ नहीं है। वहीं वो सब लोग भी नाव की मदद से जा रहे होते हैं। इन्हीं में एक ग्लास नाम का आदमी होता है। वह कैप्टन से बोलता है कि अगर हम नदी के साथ साथ चलेंगे तो वो लोग हमें जल्दी पहचान जाएंगे, इससे वो हमें मार सकते हैं। इसलिए ये सब लोग फैसला करते हैं कि ये नाव को छोड़कर जमीन के सहारे चलेंगे। लेकिन इनमें एक फिट्ज नाम का आदमी होता है। वह ऐसा करने से मना करता है। वह बोलता है कि इसमें तो कई हफ्ते लग जाएंगे और तब तक सर्दियां आकर हमें मार देंगी। लेकिन सभी लोग ग्लास की बात मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लास इन जंगलों के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए ये लोग नाव को पानी में बहा देते हैं और एक जगह पर आकर अपनी खालों को छुपा देते हैं, ताकि जब भी ये वापस आएंगे यहाँ पर तब इन्हें खाल मिल जाए। इस तरह से ये काफी हफ्तों तक जंगलों के अंदर चलते रहते हैं और हम उन कबीले वालों को देखते हैं जिन्हें वो नाव मिल जाती है। ग्लास और उसके साथियों का नाव को छोड़ने का फैसला सही था। कबीले वालों को पता चल जाता है कि वो लोग उत्तर की तरफ गए हैं, इसलिए वो उन्हें फॉलो करते हैं। ग्लास और उसके साथी एक जगह पर आकर सो जाते हैं। सुबह ग्लास जल्दी उठता है और यहाँ वहाँ टहलने के लिए चला जाता है। तभी ग्लास को पता चलता है कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी है। तभी ग्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा भालू हमला कर देता है। यह भालू ग्लास को बुरी तरीके से घायल कर देता है। ग्लास पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तब वह भालू चला जाता है और ग्लास अपनी बंदूक को संभालता है, लेकिन वह भालू फिर से हमला करता है। इस बार ग्लास उस भालू को गोली मार देता है, लेकिन भालू पर कोई असर नहीं होता। इसलिए ग्लास अपना किसी तरह से चाकू निकालता है और भालू पर वार करता है। इससे भालू और ग्लास एक खाई में गिर जाते हैं। भालू मर जाता है, लेकिन ग्लास जिंदा बचा रहता है और वह भालू ग्लास के ऊपर पड़ा रहता है। तभी यहाँ पर ग्लास के साथी आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ग्लास बुरी तरीके से घायल हुआ है और वह नहीं बच सकता। और इन्हीं में एक फिट्ज नाम का आदमी होता है। वह बोलता है कि ग्लास को हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए और अपना आगे का सफर करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को पता है कि यहाँ के जंगलों के रास्तों के बारे में केवल ग्लास को पता है, इसलिए ये लोग ग्लास के गांव को सील कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं कबीले के हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसलिए वह कुछ लोगों के पास आता है और उनसे घोड़े और बंदूकें मांगता है, बदले में उन्हें खाल देता है। अब कबीलों वालों के पास घोड़े और बंदूक भी हैं। वहीं ग्लास के साथी ग्लास को बांध देते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। लेकिन जंगलों के अंदर ऐसे ग्लास को ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इस क्रू का जो कैप्टन होता है वह ग्लास को मारने वाला होता है। लेकिन यहीं पर ग्लास का एक छोटा लड़का भी होता है, जिसका नाम होक होता है। वह बोलता है कि नहीं, मेरे डैड को मत मारिए। इसलिए कैप्टन उसे नहीं मारता। कैप्टन इसलिए मारना चाहता था ग्लास को क्योंकि ग्लास अधमरा हो चुका है और इस तरह से तड़पता हुआ ग्लास कैप्टन से देखा नहीं जा रहा था। लेकिन कैप्टन एक फैसला करता है। वह बोलता है कि जो भी आदमी ग्लास के साथ यहीं पर रुकेगा, मैं उसे $70 दूंगा। और ग्लास के साथ उस आदमी को तब तक रहना होगा जब तक ग्लास मर नहीं जाता और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। यहीं पर फिट्ज नाम का आदमी होता है। वह बोलता है कि मैं ग्लास के साथ रहूंगा। यहीं पर ग्लास का बेटा होता है, वह भी अपने पिता के साथ रुक जाता है। यहीं पर एक ब्रिजर नाम का लड़का होता है, वह भी ग्लास के साथ रुक जाता है। फ्रिट्ज को लगता था कि ग्लास कुछ ही दिनों में मर जाएगा और वह अपने पैसे लेकर आराम से जिंदगी जी सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें सर्वाइव करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब यहाँ पर ब्रिजर और होक नहीं होते, तब फ्रिट्ज ग्लास के पास आता है और बोलता है कि तुम हम सबको मरवा दोगे, इसलिए तुम मर जाओ और अपने बेटे की जान बचाओ। साथ ही फ्रिट्ज ग्लास को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर होक आ जाता है और वह फ्रिट्ज को ऐसा ना करने के लिए बोलता है। लेकिन फ्रिट्ज होक को मार देता है और ग्लास बस अपने बेटे को मरता हुआ देख सकता है, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ग्लास बुरी तरीके से घायल पड़ा है। साथ ही वह होक की बॉडी को एक ढलान के पीछे छुपा देता है। जब यहाँ पर ब्रिजर आता है तो फ्रिट्ज बोलता है कि होक शायद कहीं घूमने गया है। सुबह फ्रिट्ज ब्रिजर से बोलता है कि मैंने बहुत सारे कबीले वालों को इसी तरफ आते हुए देखा है, इसलिए अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ग्लास को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। और ब्रिजर से बोलता है कि ग्लास कुछ ही टाइम बाद मर जाएगा। और फ्रिट्ज ग्लास को घसीट कर एक गड्ढे में डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और बोलता है कि देखो, हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया, वह कुछ ही टाइम बाद मरने वाला है। और वह ब्रिजर को अपने साथ ले जाता है। कुछ टाइम बाद ग्लास उस गड्ढे से बाहर निकलता है और रेंगता हुआ अपने बेटे की बॉडी के पास जाता है। ग्लास अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उसके बेटे की मौत उसकी आंखों के सामने हो गई और वह कुछ नहीं कर सका। वहीं फ्रिट्ज और ब्रिजर अभी भी जा रहे होते हैं। ब्रिजर को पता चल जाता है कि फ्रिट्ज ने उससे झूठ बोला, वहां पर कोई कबीले वाले नहीं आए थे, इसलिए ब्रिजर फ्रिट्ज की तरफ गनतान देता है। लेकिन फ्रिट्ज ब्रिजर को अपनी बातों में ले लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ब्रिजर को मजबूरी में फ्रिट्ज का साथ देना पड़ता है।
ग्लास भी रेंगता हुआ अपना आगे का सफर तय करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह यहाँ पर पड़ा रहा तो मर जाएगा। और ग्लास रेंगकर एक नदी के किनारे पर आता है जहाँ पर वह पानी पीता है, लेकिन ग्लास के गले के घाव से खून बहने लगता है, इसलिए वह कुछ बारूद लेता है और अपने गले पर लगा देता है। बाद में इसी बारूद पर चिंगारी लगा देता है ताकि उसके गले के घाव चिपक जाएं। ग्लास काफी दिन तक नदी के किनारे पर सर्वाइव करता है। अब वह कुछ हद तक ठीक हो चुका है। ग्लास के पास पानी तो बहुत है लेकिन अभी भी खाने की कमी है, इसलिए वह एक दो मछलियां पकड़कर अपना काम चलाता है। एक दिन कबीले के लोग नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। ग्लास अपने आप को छुपाने के लिए नदी में बह जाता है और नदी में बहता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। एक दिन ग्लास को एक जगह आग जलती हुई नजर आती है। ग्लास उस आग के पास जाता है, वहां पर एक आदमी होता है। जैसे ही ग्लास इस आदमी के पास आता है, यह आदमी ग्लास को मारने वाला होता है, लेकिन ग्लास अपने आप को उस आदमी के सामने समर्पित करता है और इशारों में बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा मांस चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने एक बहुत बड़ा शिकार किया हुआ है। ग्लास बताता है कि मुझ पर एक भालू ने हमला किया, साथ ही मेरे लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यह आदमी बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे घरों को चला दिया और अब मैं बस अकेला ही बचा हूँ। अगली सुबह ग्लास इस आदमी के साथ अपना सफर तय करता है, क्योंकि इस आदमी के पास घोड़ा होता है। वहीं ब्रिजर और फ्रिड्ज भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें पहुंचना होता है। फ्रिड्ज ब्रिजर से बोलता है कि अगर तुमने उन लोगों को सच्चाई बताई तो वो लोग हमें मार डालेंगे, और ये दोनों कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। कैप्टन यहां पर इनसे पहले आ गया है और फ्रिड्ज बोलता है कि ग्लास मर चुका है, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, इसलिए कैप्टन इन दोनों को पैसे दे देता है। लेकिन ब्रिजर पैसे नहीं लेता और वहां से चला जाता है, क्योंकि ब्रिजर को लगता है कि उसने फ्रिड्ज का साथ देकर गलत किया है। वहीं ग्लास और वह आदमी जब अपना सफर तय कर रहे होते हैं तब वहां पर एक बर्फ का तूफान आता है। तब यह आदमी ग्लास की जान बचाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है, साथ ही ग्लास के पास थोड़ी सी आग जला देता है ताकि उसे गर्मी मिलती रहे। लेकिन अगली सुबह जब ग्लास उठता है तब वह आदमी उसे वहां नहीं मिलता, और थोड़ी सी दूर जाने पर ग्लास को पता चलता है कि कुछ लोगों ने उस आदमी को मार दिया। जिन लोगों ने इस आदमी को मारा है वे लोग पास में ही होते हैं। ग्लास वहां से घोड़ा चुराने के लिए जाता है, लेकिन वह देखता है कि वहां एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ग्लास उस लड़की को बचाता है और वहां से घोड़ा लेकर भाग जाता है। ग्लास एक जगह पर आकर आराम करता है, लेकिन अगली सुबह ग्लास देखता है कि कबीले के लोग उस तक पहुंच चुके हैं। अब उन लोगों के पास घोड़े और बंदूकें हैं, इसलिए वह ग्लास पर गोलियां चलाते हैं। तभी ग्लास के सामने एक बहुत गहरी खाई होती है। ग्लास रुक नहीं सकता, इसलिए वह उस खाई में गिर जाता है, जिससे उसके घोड़े की मौत हो जाती है, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। ग्लास वैसे तो बच जाता है, लेकिन वह ठंड से नहीं बच सकता, इसलिए वह घोड़े को काटकर उसके अंदर सोने की कोशिश करता है ताकि वह ठंड से बच जाए। वहीं अगली सुबह जहां पर फ्रीजर, कैप्टन और ब्रिज रहते हैं, वहां तक एक आदमी सर्वाइव करता हुआ पहुंचता है और वह बोलता है कि मुझे अंदर ले लो, मुझे खाने की जरूरत है। ये लोग उसे खाना देते हैं। इस आदमी के पास एक छोटी सी बोतल होती है जो हमेशा होक रखता था, और ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें यह बोतल कहां से मिली। वह बोलता है कि मुझे यह बोतल जंगलों के अंदर मिली। इसलिए कैप्टन को लगता है कि शायद होक अभी भी जिंदा है, इसलिए होक को ढूंढने के लिए ये लोग रातों रात निकल जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के सामने ग्लास आ जाता है और ये लोग ग्लास को अपने साथ ले आते हैं। इसलिए कैप्टन को पता चल जाता है कि फ्रिड्ज ने उनसे झूठ बोला है। जब वह अपना सामान चेक करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि फ्रिड्ज ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ग्लास कैप्टन से बोलता है कि इसमें ब्रिजर की कोई गलती नहीं है, बल्कि वह तो वही कर रहा था जो फ्रिड्ज उसे करने के लिए बोल रहा था। इसलिए कैप्टन और ग्लास फ्रिड्ज को ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर फ्रिड्ज के कदमों के निशान मिट जाते हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी कैप्टन को फ्रिड्ज दिख जाता है। कैप्टन फ्रिड्ज को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन फ्रिड्ज बिना सोचे कैप्टन पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास भी यहीं पर आता है। वह देखता है कि कैप्टन मर चुका है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि यह काम फ्रिड्ज ने किया है। ग्लास यहां पर कुछ लकड़ियां तोड़ता है और वह कैप्टन की पीठ के पीछे लगा देता है ताकि वह घोड़े पर बैठ सके, और खुद पीछे वाले घोड़े पर ऐसे लेट जाता है जैसे कि कोई लाश हो। और फ्रिड्ज को लगता है कि जो घोड़े पर बैठा है वह ग्लास है, और फ्रिड्ज ग्लास पर गोलियां चला देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन है, और तभी पीछे वाले घोड़े पर ग्लास पड़ा था, वह फ्रिड्ज पर गोलियां चलाता है, लेकिन फ्रिड्ज किसी तरह से बच जाता है। बाद में इन दोनों के बीच बहुत लंबी फाइट चलती है, और ये दोनों फाइट करते करते एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं। ग्लास फ्रिड्ज को मारने ही वाला था, लेकिन ग्लास को उस आदमी की बात याद आती है जब उसने उसके साथ सर्वाइव किया था। उसने कहा था कि बदला लेना हमारे बस में नहीं होता, वह भगवान के हाथ में होता है। और यहीं पर कबीले के लोग भी आ जाते हैं जो नदी के दूसरे किनारे पर होते हैं। ग्लास फ्रिड्ज को नदी में छोड़ देता है और फ्रिड्ज बहता हुआ कबीले के लोगों के पास चला जाता है। कबीले के लोग फ्रिड्ज को मार देते हैं और वे ग्लास के पास आते हैं, लेकिन ये लोग ग्लास को नहीं मारते क्योंकि ग्लास ने जिस लड़की को लोगों से बचाया था वह लड़की इसी कबीले के मुखिया की बेटी थी, इसलिए कबीले के मुखिया को उसकी बेटी मिल चुकी है, इसलिए वह ग्लास को नहीं मारता और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ग्लास भी एक जगह गिर जाता है और उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई देने लगती है और वह लंबी लंबी सांसें लेता है। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। इस मूवी की IMDB रेटिंग 8 है।
इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $533 मिलियन की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी बेहतरीन वीडियोज के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।